हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां से जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे। प्रोटीन के पार्ट वन में हमने जो है डिस्कस किया था प्रोटीन की उत्पत्ति, संरचना, संगठन और प्रोटीन के तीन प्रकार जो कि थे आवश्यक एमिनो एसिड, अनावश्यक एमिनो एसिड और अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड्स। आज के जो है वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स का वर्गीकरण। यहाँ से जो है सीधे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसके साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। प्रोटीन के वर्गीकरण को हम देखें तो हम तीन आधारों पर प्रोटीन को बांट सकते हैं, गुण के आधार पर, स्रोत के आधार पर, संरचना के आधार पर। गुण के आधार पर अगर हम प्रोटीन के भागों को बांटना चाहें तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। स्रोत के आधार पर अगर हम प्रोटीन को देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, जंतु प्रोटीन या प्राणिज्य प्रोटीन, दूसरा है वनस्पतिक प्रोटीन। संरचना के आधार पर अगर हम प्रोटीन के जो है वर्गीकरण को समझना चाहें तो तीन प्रकार के होते हैं, साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। इनको हम जो है आगे के पार्ट में जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है पढ़ेंगे गुण के आधार पर, यानी कि गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। तो सबसे पहला है पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन, जैसा कि शब्द से ही लग रहा है कि पूर्णता का भाव उत्पन्न हो रहा है, मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं पूर्ण प्रोटीन कहलाता है। आवश्यक अम्लों को जो है याद करने की मैंने ट्रिक बताई है, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए और आवश्यक एमिनो अम्ल जो 10 दिए हुए हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पूर्ण प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जिसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ये प्रोटीन शरीर को जीवित रखती है, वृद्धि करती है और सुरक्षा करती है। कहने का मतलब है कि शरीर से संबंधित तीनों कार्य करती है, पहला जीवित रखती है, दूसरा वृद्धि करती है शरीर की, तीसरा शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे प्रोटीन को उच्च जैविकीय मूल्य की प्रोटीन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कौन सी होती है, तो पूर्ण प्रोटीन होती है। पूर्ण प्रोटीन के जो है कुछ उदाहरण हैं, मायोसिन, केसिन, ग्लाइसिन, लैक्ट एल्ब्यूमिन, इसको आप सही से लिख लीजिएगा, इसमें कम दिख रहा है, लैक्ट ब्यूमिन, लैक्ट ब्यूमिन लिखा हुआ है। फिर दूसरा प्रकार है गुण के आधार पर आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। आंशिक रूप से पूर्ण, जैसा कि लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है अपूर्ण से ही संबंधित है, परंतु पूरी तरीके से ना तो पूर्ण है ना ही अपूर्ण है, यह आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन है। कहने का मतलब है कि ऐसी प्रोटीन जिसमें आवश्यक एमिनो एसिड पाए तो जाते हैं परंतु कम मात्रा में पाए जाते हैं, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहलाती है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन जो है शरीर को जीवित रखने का कार्य करती है, परंतु जो है सुरक्षा और वृद्धि का कार्य जो है ये प्रोटीन नहीं करती है। एग्जाम्पल आपसे पूछे तो गेहूं का ग्लाइडिन, अनाजों की प्रोटीन, दाल की प्रोटीन, मटर की प्रोटीन, सेम आदि का प्रोटीन। और ये जो है आप इसको जो है इस पॉइंट को स्टार लगा के जो है नोट करिएगा कि अनाजों में लायसिन नहीं पाया जाता है, अनाजों में लायसिन नहीं पाया जाता, दालों में मिथियोनिन नहीं पाया जाता, दालों में मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन।
तो यहाँ से जो है दो पॉइंट्स आप लिखिएगा स्टार लगा के कि अनाजों में लायसिन नहीं पाया जाता और दालों में मिथियोनिन ट्रिप्टोफैन थ्रियोनिन नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन PYQ में भी आपसे पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है एग्ज़ाम में आने की। अब कुछ आंशिक प्रोटीन के जो है नाम, जैसे कि ग्लाइडिन, लेग्यूविन, लेग्यूवेलिन, ये तीन आपके आंशिक प्रोटीन्स के नाम हैं, इनको भी याद रखिएगा। गुणवत्ता के आधार पर जो तीसरी प्रोटीन है हमारी वो है अपूर्ण प्रोटीन। आपको डायरेक्ट नाम से ही पता चला होगा अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब जो है एक ऐसी प्रोटीन जिसमें जो है कोई भी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होता है, अतः यह प्रोटीन किसी भी तरीके से सहायक होती ही नहीं है। ये जो है ना तो शरीर की वृद्धि टूट फूट की मरम्मत भी नहीं कर सकती है और ना ही तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। एग्जाम्पल में आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा ये दो, मक्के की जीन प्रोटीन और फलों की जेलेटिन प्रोटीन जो है अपूर्ण प्रोटीन के उदाहरण है। आपसे इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अपूर्ण प्रोटीन के जो है उदाहरण कौन कौन से हैं जो है बताइए, तो उसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ था मक्के की जीन प्रोटीन, फलों की जेलेटिन प्रोटीन। तो आप यहाँ से जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा ताकि जो है एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से जो है कोई भी डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, लिख के जो है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई जो है दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे से हो सकेगा तो मैं जो है उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर मेरे वीडियो में कोई कमी आपको दिखती है तो प्लीज़ बताइएगा। ये नोट है कि ये मुख्यतः वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। अपूर्ण प्रोटीन की जो है एक प्रमुख विशेषता है कि ये वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें स्रोत के आधार पर प्रोटीन का जो है वर्गीकरण, हमने इससे पहले जो है शॉर्ट में देखा था कि दो प्रकार से होता है, प्राणी प्रोटीन या जंतु प्रोटीन और दूसरा था वनस्पतिक प्रोटीन। तो पहले हम पढ़ेंगे जंतु जगत का प्रोटीन। यह जो है प्राणी या जंतु जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन है, ये तो नाम से ही लग रहा है, इजी है, आप इसको गैस भी कर सकते हैं कि जंतु जगत का प्रोटीन जो है पूछ रहा है, तो मतलब ये जंतु जगत से ही प्राप्त होगा। इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी कहते हैं। ये पॉइंट जो है आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट क्लास यानी कि उच्च श्रेणी का प्रोटीन कौन सा होता है, तो जंतु प्रोटीन होता है। जैसे कि मांस, मछली, अंडा, दूध से बने पदार्थ, इस पूर्ण अवशोषण, इनको क्यों कहा जाता है फर्स्ट क्लास का प्रोटीन, क्योंकि पूर्ण अवशोषण इनका हमारी बॉडी में हो जाता है और इसमें सभी प्रकार के मतलब 10 जो है हमारे जो आवश्यक अमीनो एसिड हैं वो पाए जाते हैं। और ये एग्जांपल से आप जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अगर आप जंतु जगत से 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो पूरा का पूरा आपको 100 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा पाचन क्रिया के बाद। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण अवशोषण होता है। यही अगर आप वनस्पति जगत से 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो संभावना है कि उसका 70-60% ही आपके शरीर में अवशोषण होता है। फिर जो है स्रोत के आधार पर दूसरा जो है पार्ट है वनस्पति प्रोटीन। इसकी प्राप्ति पेड़ पौधों से होती है। इसको सेकेंड क्लास प्रोटीन भी कहा जाता है। इस प्रकार का प्रोटीन जो है अनाज, दाल, मेवे, फल, सब्जी आदि से प्राप्त होता है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। इस प्रोटीन से वृद्धि तो संभव है परंतु विकास संभव नहीं है। यानी कि अगर पूछे कि वृद्धि प्लस विकास दोनों जो है
अच्छे प्रकार से किस विटामिन किस जो है प्रोटीन के द्वारा होते हैं, तो जंतु जगत के प्रोटीन के द्वारा, क्योंकि वनस्पति जगत के प्रोटीन के द्वारा आपका वृद्धि तो होगी आपके शरीर की, लेकिन जो है विकास अच्छे से नहीं होगा। वनस्पति जगत की प्रोटीन का पूर्ण अवशोषण नहीं होता है, सिर्फ 65% ही होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप वनस्पति जगत से 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो हो सकता है कि उसका 60-70% ही आपके शरीर में अवशोषण हो। वही बताया गया है कि पूर्ण रूप से वनस्पतिक प्रोटीन का अवशोषण नहीं होता, सिर्फ जो है 65% ही होता है। जैसा कि अगर हम वनस्पतिक प्रोटीन 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें से सिर्फ जो है 65% हमारी बॉडी को मिलता है, बाकी का बचा 35% मूत्र और मल के द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर जो प्रोटीन के पार्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में जो है स्लाइड पे जो ब्रश यूज़ किया है मैंने, तो उसमें थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुई है, तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे जो है मेरा राइट हैंड जो है थोड़ा सा जल गया था, तो लेफ़्ट हैंड से मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही मेरा हाथ सही हो जाए और मैं ढंग से आपको जो है स्लाइड पे हाईलाइट करके जो है बता सकूँ। कितने लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दिया है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्लास कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में इसको भी इंक्लूड करिएगा। और आप जो है किस एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT के लिए, PGT के लिए या नेट के लिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू गाइज़।